मेरी उम्मत कयामत तक बाकी रहे। जो दुआ मांगी है मेरी उम्मत कयामत तक बाकी रहे, और जो है कोई जालिम, कोई खूंखार, कोई सितमगर मेरी उम्मत को ख़त्म न कर सके, जो दुआ मांगी जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, जब हुजूर की दुआ अल्लाह तबारक तआला ने हुजूर से कह भी दिया मेरे महबूब आपकी दुआ कबूल है, अल्लाह ने बतला भी दिया मेरे महबूब आपकी दुआ कबूल है, तो दोस्तों जब हुजूर की दुआ कबूल है तो इस मकबूल दुआ के बलबंदे पर हम कहते हैं इस दुनिया में, इस मुल्क में कोई रहे या न रहे, हम तो जरूर रहेंगे, हम तो जरूर रहेंगे इंशाल्लाह। हमारे सर पर दुआएं हैं जनाब रसूल मासूम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। दोस्तों, जब हुजूर ने कहा मेरी उम्मत रहे, तो आप जानते हैं उम्मत मदरसों के मजमूए का नाम है, उम्मत मस्जिदों के मजमूए का नाम है, उम्मत खानकाहों के मजमूए का नाम है। तो दोस्तों, जब हुजूर की उम्मत रहेगी तो मस्जिदें भी रहेंगी, मदरसे भी रहेंगे, खानकाहें भी रहेंगी, शायर इस्लाम भी रहेंगे, और दीन की एक एक चीज इंशाल्लाह बाकी है, कोई चीज खत्म होने वाली नहीं है। हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है, मायूस वो हो जिनके सर पर कोई दुआ नहीं है, और हमारे सर पर तो अल्लाह के महबूब की मकबूल दुआ, वो दुआ जो हुजूर ने मांगी है, और वो दुआ जिसको अल्लाह ने मकबूल कर लिया है और मकबूल करके हुजूर को बता भी दिया है। दोस्तों, जिसकी मकबूलियत में कोई शुबा नहीं है, जिस तरह से हमें सूरज के होने का यकीन है, चांद का जब चमकता है तो इसको देख कर चांद होने का यकीन है, इसी तरह से कयामत तक हमको अपनी उम्मत के बाकी रहने का यकीन है। जिस तरह से हमारे हुजूर खातमुन नबियीन हैं और आपकी नबूवत का सिलसिला कयामत तक बाकी रहेगा, इसी तरह से आपकी उम्मत खातमुल उमम है और ये उम्मत इंशाअल्लाह कयामत तक बाकी रहेगी। दोस्तों, हुजूर खातमुन नबियीन, उम्मत खातमुल उमम, और किताब खातमुल कुतुब है, और हुजूर की हदीस है खातमुल अहादीस है, इसके बाद कोई हदीस नहीं आएगी, हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा, कुरान के बाद कोई किताब नहीं आएगी, इस्लाम के बाद कोई दीन नहीं आने वाला है, यही किताब, यही रसूल, यही नबी, यही हकीमत इंशाअल्लाह कयामत तक बाकी है। वो दज्जाल है लोग, वो बहुत बड़े फरीबी हैं, दुनिया के सबसे बड़े छूछे हैं, और अल्लाह के दरबार में सबसे बड़े मजरिम हैं, और जहन्नम के सबसे ज्यादा जो दावा करते हैं और जो कहते हैं कि हुजूर के बाद कोई मनहूस नबी आ गया, हुजूर के बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, जो नबूवत का दावा करेगा, हुजूर ने कहा वो दज्जाल है, दज्जाल वो दज्जाल है, नबी हो ही नहीं सकता, वो दज्जाल है। चुनांचे दलाइल ने भी दज्जाल होना साबित कर दिया, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, इसने नबूवत का दावा किया, और नबी तो कोई हो नहीं सकता, नबी तो हसीन और जमील होते हैं, इतने खूबसूरत होते हैं, मूसा और ईसा और हुजूर पाक जितने भी अंबिया हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम।